अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा रात। देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रात। वेलकम बैक। नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह नए मेहमानों के साथ रोज़ाना नया टैलेंट आपके पास आता है मेरे शो पर। और आप देखते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, ज़्यादातर टिकटॉक स्टार्स आते हैं, कुछ होते हैं टिकटॉक के स्टार, कुछ होते हैं सिर्फ अपने घर तक के स्टार, और कुछ होते हैं अपने मोहल्ले तक के। तो अब ये नहीं पता ये अपने घर तक के स्टार हैं, अपने मोहल्ले तक के स्टार हैं, या पूरी दुनिया इनको जानती है। अब ये तो आप लोग कमेंट्स में गेस कर सकते हैं। तो भाई आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, टिकटॉक की दुनिया से इनका ताल्लुक है और टिकटॉक बनाने का शौक़ रखते हैं। ये भी पूछेंगे कि टिकटॉक क्या है, क्यों शौक़ रखते हैं, टिकटॉक की क्यों बीमारी इनको लगी और ये बीमारी लगाई किसने। ये सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये बीमारी कैसे लगी। वेलकम करते हैं अपने शो पे वकार संगड़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। ये पहले ये बताएं क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ होते हैं? बस मैं घर में फ्री होता हूँ, कुछ काम नहीं करता, बस सिर्फ टिकटॉक बनाता हूँ। अभी तो घर में होता हूँ बस। अच्छा, वैसे आप सऊदीया से बिलोंग करते हैं? हाँ, अभी तो सऊदीया जा रहा हूँ ना। जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? जी हाँ, बस तकरीबन 5-6 दिन में। क्यों जा रहे हैं? बस वैसे कमाने के लिए, यहाँ फारिग बैठा हूँ, सही नहीं है बंदा काम। यहाँ कमा नहीं रहा, सऊदीया जा रहे हो कमाने? बस यहाँ पर। वहाँ कमाओगे? जी हाँ, क्यों नहीं कमाऊंगा। वहाँ भी टिकटॉक रोगो बनाओगे? वो भी देखेंगे, फ्री टाइम मिला तो बनाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, टिकटॉक की बीमारी आपको किसने लगाई? बीमारी किसने लगाई नहीं, बस वैसे देखता था टिकटॉक तकरीबन 2019 में, जब टिकटॉक का नाम था म्यूजिकल चेयर। अरे आप तो 1900 गड़गड़े के हो, बहुत पुराने हो। हाँ, पुराना तो हूँ ना बाबा। ये तो 99 मॉडल लग रहा है मुझे जो टिकटॉक का बता रहा है, म्यूजिकली से है। बिल्कुल म्यूजिकली था, वैसे बना देखता था, ड्यूट करता था लड़कियों के साथ, वैसे ही बनाता था। फिर आस्ते आस्ते बनाते बनाते जो है ना ड्यूट करना छोड़ दिया। फिर जो है ना बनाई तो एक सिंधी वीडियो बनाई थी, जलाल चांडे की थी, मूछें वगैरह बनाई थी, फिर वो वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद बनाना शुरू कर दिया। आपको जलाल चांडे पसंद है, हमें उमरानी पसंद है। हाँ ना, बस वो उसका ही बनाते थे, मतलब जिसकी मना मूछें होती थी देखता था, मूछें उसकी बड़ी हैं। बस मुझे तो अभी दाढ़ी आई है ना, पहले बच्चा था तो इसलिए। अच्छा। हाँ अभी भी बच्चा हूँ, अभी छोटा बच्चा लग रहा हूँ। देखो नहीं बाबा, ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, और मुझे ये बताओ फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? मेरा मारवी सिंह, मारवी सुमरो। अदी मारवी सुमरो जी, बहुत हमारी प्यारी दोस्त है मारवी सुमरो। हाँ, वो बहुत अच्छी तरह से मुझसे बात भी करती है, वो अच्छी है बिल्कुल। और गर्ल्स में कौन है मारवी के बाद? मारवी के बाद अक्सा है, वो मना बनाता था ना वीडियो, अक्सा की बहन नुक्सा, वो भी अच्छी तरह से बात करती है। एटीट्यूड मुझे एटीट्यूड नहीं देता। नहीं, अक्सा अक्सा और तो नहीं, बस यही दोनों है। और हमारे सिंध में सिंगर फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर ममता लाशारी। ममता लाशारी जी आए। लड़कियों में तो कोई ऐसी है नहीं। सिंगर फायदा अली? हाँ, सिंगर फायदा अली भी है बिल्कुल। पहले थी, अभी नहीं होगी? पहले अभी आई है ना वो, तो शादी से पहले बहुत फेवरेट थी, अभी नहीं। पहले तो बहुत फेवरेट थी, पर लेकिन अभी जो ना थोड़ा हमारे को दुख लगा है। आप, अच्छा आप भी उस दुख में शामिल हैं? हाँ, हम भी दुख में शामिल हैं ना, हम क्या करें भाई, सिंगल है ना। नहीं नहीं, अल्लाह आपको भी अच्छी लड़की दे, शादी कराए। नहीं, वो भी अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, लंबी उम्र दे, हमारी भी दुआएं उसके साथ है, अल्लाह सही नसीब अच्छे करे। बिल्कुल ये बात है। और मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक, तो जिंदगी टिकटॉक में आपने अपनी भिजा दी है, तो आगे आपने जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है टिकटॉक के अलावा करना है कुछ? हाँ, टिकटॉक के अलावा इसलिए तो सऊदी अरब जा रहा हूँ ना, पहले तो घर सोया होता था, घर वाले भी काम नहीं कराते थे क्योंकि दादला बच्चा हूँ घर वालों का भी, इसलिए लाडले हो गए। हाँ, लाडले हूँ ना, छोटे हूँ, छोटा बच्चा लग रहा हूँ ना, बड़ा थोड़े लग रहा हूँ कसम से। नहीं नहीं, आप कितने बहन भाई हैं? तकरीबन मेरे 3 बहन है और एक दूसरा भाई है, छोटा है मुझसे। तो आप सबसे बड़े हैं घर में? मैं सबसे बड़ा हूँ। तो फिर लाडले छोटे होते तो समझ में आती, लेकिन जो है ना मना अम्मी मुझे ज्यादा प्यार देती है। अम्मी के लाडले? हाँ, अम्मी के लाडला। अभी अम्मी सऊदीया कैसे भेज रही है? वो तो कह रही है भाई तुम जो है ना मेरे बच्चे हो, मेरे आँखों के सामने रहो। मैं कहता हूँ अम्मी कितने दिन सामने रहूँगा, आगे भी के लिए भी कुछ सोचना है। अम्मी को बोलते हो, अम्मी बोलती होगी मेरे लाल कहीं मत जा, आ, और कहीं आप बोलते मत जा। मुझे जाना है। हाँ ना, बस क्या करें, मजबूरी है ना भाई, घर में तो वैसे ही आगे के लिए भी सोचेंगे, फर्क बैठना तो सही बात नहीं है ना। बस यही बात। फर्स्ट साउंड पे वीडियो कौन सी बनाई थी जो मोस्ट वायरल गई थी?
वो शायद बलोची में थी, दुनिया रिंग विच कार विच खड़ो मियाँ पोन गे थम, पता नहीं क्या है मुझे समझ में नहीं आती, वो फनी वीडियो थी, वो वायरल हो गई थी। दूसरी तो मुझे याद नहीं, बस वो ज़्यादा वायरल हो गई। कितनी गई थी वो? वो तकरीबन 10-15 हज़ार मना व्यूज़ मिले। उसके बाद जो है ना मैंने वो कंटेंट छोड़ दिया, फिर जो है ना अक्सा की बहन नुक्सा बनाया, फिर वो भी वीडियो वायरल हो गई। फिर अक्सा की बहन कौन है? मना बहन में थी, लड़की बनता था। अच्छा। हाँ लड़की बनता था, फिर वो वीडियो वायरल हो गई, अक्सा कमेंट भी करती थी मना, फिर जो है हमारे को खुशी मिली, वो कमेंट करती थी, फिर इंस्टाग्राम पर बात भी की, अभी भी बात करती है मना, जब भी बात करता हूँ वो बात करती है अच्छी तरह से। अच्छा जी हाँ। बाकी अक्सा के शो पे गए? नहीं वहीं पर नहीं गया, क्योंकि वो जो है ना बाहर गई थी, फिर जो है ना वहीं नहीं गया। अभी वो बोल रही है, लेकिन इंशाल्लाह कल परसों जब वापस आऊँगा घर से फिर उसके शो में जाऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उसी से बात भी नहीं की कि मैं आपके शो में आ रहा हूँ या नहीं, क्योंकि काम के लिए आया था इसलिए। तो किसका शो अटेंड करने का ज़्यादा शौक है? हाँ ज़्यादा तो आपके पास शो मैंने आया था, फिर जो ना अक्सा और आप, और तो कोई नहीं है। और कोई नहीं है? और तो कोई नहीं है, बस आपके पास आया, हमारे को तो बहुत खुशी है आपसे मिले, बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, ये आप लोग प्यार देते हो मोहब्बत देते हो, और इसके हम मशकूर हैं कि हमारे शो पे जब हमें चाहने वाले लोग आते हैं हाँ ना, तब हम बहुत खुश होते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक आपने किसको देख के बनाना शुरू की? म्यूजिकली पे भी कोई होगा ना स्टार्टिंग में, आप जिसके क्रेज थे? बस वैसे ही देखता था, सिंधियों की थी, मैं तो उर्दू कभी बनाई नहीं है, बस मैं सिंधी में बनाता हूँ वीडियो। उर्दू बनाई थी, वो जो ना अरबिक वाला होता था, अरबिक सिंधी और सारे मिक्स करता था, उर्दू सारे मिक्स करता था। अच्छा सिंगिंग का शौक रखते हो? सिंगिंग का नहीं, सिंगिंग का इतना शौक नहीं है। आवाज़ सुरीली है या बाथरूम सिंगर? पता नहीं बाथरूम सिंगर होगा, थोड़ी सी है, पर लेकिन गुनगुनाना चाहो मेरे शो पे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे, बस यही है। कह सकते हैं अगर सीखो हाँ तो अच्छी हो सकती है। हाँ सीखेंगे तो हो सकती है, पर लेकिन क्या करें इतना शौक भी नहीं है। कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? गोड़की सिंध से, कादरपुर में बैठा हूँ। कादरपुर में? अभी तो तुम यहाँ बैठे हो, कादरपुर में कहाँ? नहीं मना घोड़की में रहता हूँ, ठीक है, सिटी हमारी कादरपुर है। तो घोड़की में क्या चीज मशहूर है? घोड़की के पेड़े? घोड़की के पेड़े मशहूर है ना। मैं घोड़की के हूँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा कि घोड़की के पेड़े मशहूर है नहीं मशहूर? घोड़की के पेड़े मशहूर है भाई, वापसी पे जब आओगे तो भाई पेड़े मिलने चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेड़े लेके आऊंगा, कोई मसला नहीं। घोड़की के पेड़े मशहूर हैं, तो जब आप वापसी आएंगे तो पेड़े लेकर आएंगे? इंशाल्लाह जरूर लेकर आऊंगा। इंस्टाग्राम पसंद है स्नैपचैट? इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, स्नैपचैट भी अभी ज्यादा चला रहा हूँ, क्योंकि स्कोर भी बढ़ रहा है यार। स्नैप मुझे आज तक यूज करना नहीं आया, मैं तो सिर्फ स्नैप से अपनी वीडियोस बनाती हूँ। नहीं बस स्कोर भी मना बढ़ता है, और इंस्टाग्राम पर आता हूँ पर लेकिन कम आता हूँ, पहले ज़्यादा जो है लाइव बैठता था, अभी ज़्यादा लाइव नहीं बढ़ता, अभी मना स्कोर के चक्कर में इंस्टाग्राम पर स्नैपचैट पर। इंस्टा पसंद है या टिकटॉक? टिकटॉक। टिकटॉक क्यों, इंस्टा क्यों नहीं पसंद? इंस्टा पर जो है ना कोई है ही नहीं, मना वीडियो वायरल भी नहीं होती, टिकटॉक पर जो वीडियो बनाता हूँ मना वायरल हो जाती है। आज यार कोई फैन मिला आपको? फैन बहुत मिले, अभी भी मिले हैं रास्ते में, 2-3-4 बंदे मिले हैं। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे अब्दुल्ला शाह गाजी पर मिले थे, वो कह रहे थे अपने फैमिली के साथ था, वो कह रहा था कि मेरे पास मोबाइल जो है ना वो फैमिली के साथ है, आप 2 मिनट रुकना, पर लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, आपके पास भी आना था इसलिए। तो आप कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं? हाँ खुशी तो होगी ना भाई, कोई फैन मिलता है तो हमारे खुशी तो बहुत मिलेगी ना बाबा। कैसे आपने उसको क्या बोला? मैंने तो उसको बोला भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, मना आप मेरे फैन हो, मैं भी आपका फैन हूँ, फैन की कोई बात नहीं, पर लेकिन दोस्त बोलो। वो बोल रहा था ठीक है, वो बोल रहा था थोड़े मिनट रुक ले, मैं आपसे जो है ना मिलता हूँ, मैं तो मुझे टाइम नहीं था, आपके पास आना था, घर भी जाना था, तो इसलिए। सही सही सही। क्या क्या कहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देंगे अपने व्यूवर्स को फैंस को? बस यही बोलूँगा कि टिकटॉक जो है ना थोड़े दिन के लिए है, घर वालों के लिए भी सोचें, अपने बहन भाई के लिए भी सोचें, टिकटॉक एक मना टाइम पास है,
भाई टिकटॉक भी चलाते रहो और ना काम भी करते रहो, कोई जॉब वगैरह करो। बाकी वैसे फ़र्क मेरे जैसे फ़र्क बैठना सही बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक मुझे भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन वैसे भी कर मैं बोलता हूँ कि आगे आगे की ज़िंदगी के लिए सोचूं भाई। हाँ ना, बस क्या मेरे शो पे आगे कैसा लगा, मेरे शो के लिए क्या मैसेज देंगे, मेरे बारे में क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि बड़ी मेहरबानी है तारा की जो मुझे इसने इनवाइट किया और मैं इसके पास आया हूँ, और अल्लाह पाक इसको बड़ी ज़िंदगी दे और इसका चैनल जो है ना वो भी आगे जाए, हमारी दुआ है कि आगे जाए। हाँ, बाकी मैं सदके खुद पर, क्योंकि भाई मना दूसरों पे सदके नहीं जाता, अगर अपने आप पे सदके जाओगे ना तो अगर खुद को खुद से प्यार होगा ना तो दूसरों का भी कदर करोगे, खुद से भाई प्यार करो, खुद से मोहब्बत करो, बात ये है। क्या बात है। और खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। आज हमारे साथ है वकार संगड़ और बहुत अच्छा जो है अच्छे टिकटॉकर हैं, तो मैं ये कहूँगी आप सबसे इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे इन फ्यूचर बहुत आगे तक जाए, मेरी भी आपको दुआ है इंशाल्लाह। नाज़रीन फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपने फेवरेट पर्सनालिटी के साथ, फेवरेट टिकटॉकर के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें दुआ में याद, मेरे चैनल को, मेरे शो को रखें दुआ में याद। कैमरामैन फजीला के साथ तारा, अल्लाह हाफिज़।